हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो गाइस, एक और गाना आ चुका भाई चमड़ी खोर का, और चमड़ी खोर से मेरा मतलब ना तो टोनी कक्कड़ है, ना अंशुल गर्ग है, और ना वो राघव है। मतलब अगर रीसेंट टाइम में देखूँ ना भाई, उससे बड़ा चमड़ी खोर नहीं है। मतलब कितनी बंदियों के साथ क्या क्या मजे कर रहा है। दुबई में लिया शर्मा के साथ उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है भाई, मानना पड़ेगा। इससे बड़ा चमड़ी खोर और भाई आज की डेट के अंदर अगर कोई लौंडा अपनी जिंदगी जी रहा है ना, तो वो राघव है भाई, राघव। सो आज बात करने वाले एक और चमड़ी खोर की, जिसका नाम है भाई आबरा कटाबरा पारा छावड़ा, जैसा गाना आया भाई मायरा शर्मा के साथ, कली गाना आया है और आज ट्रेंड कर रहा है नंबर 18 पर। और गाना अगर मैं देखूं भाई, 4.5 मिनट का गाना है, जबरदस्ती का बनाया गया है। और इस गाने को इतना लंबा सिर्फ इसलिए किया गया ताकि एक अच्छी सी स्टोरी डाल सके, और गाने के अंदर जो स्टोरी डाली गई है वो बहुत ही अच्छी स्टोरी डाली गई है। सो गाइस, एक तरफ जहां पे चमड़ी खोर पारस अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ लड़ाई कर रहा होता है और उसको बोल रहा होता है, बहन तू जा, बहन देख तेरा मेरा जितना कलेश होना था हो गया, अभी तू जा बहन, मैं अपनी जिंदगी में खुश रहता हूं, तू अपनी जिंदगी में खुश रहती है। और लड़की भी बहुत ही समझदार और दयालु निकलती है, सीधे चली जाती है भाई, कुछ नहीं बोलती। देखो आजकल की लड़कियां भाई क्या सैंडल सुंडल उठा के मारती है, गाली गलौज करती है, नहीं वो दयालु बंदी थी और छोड़ के चली गई। आपसी अंडरस्टैंडिंग जिसको बोलते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ब्रेकअप। तो भाई यहाँ पे ब्रेकअप हो गया। अब दूसरी तरफ से आ गई भाई माहिरा शर्मा, रेड कलर की ओपन कार जिसको वो चला रही है रिक्शे की स्पीड से। वरना भाई मैंने देखा दिल्ली के अंदर ओपन रूफ कार अगर बंदी चला रही है ना भाई, चांदनी चौक की सड़क को भी F1 रेस ट्रैक बना देती है। बंदे साइड हो जाते, बंदे बोलते बहन तू जा, बहन तू जा, बहन ये रोड तेरे लिए बनाई गई है, हम तो गलती से आ गए थे इस रोड के ऊपर, अगर पता होता तो हम ये तो पाप ही ना करते कि घर से एकदम बाहर भी निकाल देते। अगर यहाँ पे मायरा शर्मा भाई कार की बेइज्जती मारते हुए रिक्शे की स्पीड से चलाती हुई आ रही है जबकि कोई है ही नहीं है ही। और फिर मायरा शर्मा के पारस से होते हुए, कौन दी लौंडी है जो चली गई, क्या चक्कर चल रहा है, क्या गुलगुलू चल रहा है तुम्हारा। पारस बोलता है भाई पागल है बंदी, मेरे को लेना देना नहीं है, तू आ पहले, तू अपनी बंदी है, तू सहेली है अपनी, तू वो पक्की बंदी हो चुकी है अब। तो भाई दोनों के दोनों अंदर जाते हैं और भाई अंदर जाके भाई पारस और माहिरा गुलू गुलू कर ही रहे होते हैं कि पारस छावड़ा को पता नहीं क्या काम पड़ जाता है अर्जेंटली, और पारस बोलता है बहन तू बैठ, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। और पारस छावड़ा वहां से रवाना हो जाता है, बट अपना फोन भूल जाता है बंदी के पास, और फोन में बसता है कुछ मैसेजेस। और यहाँ पे माहिरा शर्मा ये देखती है, और यहाँ पे मायरा शर्मा एक शक की गर्लफ्रेंड की भूमिका निभाते हुए एकदम से फोन उठाती है और देखती है भाई ये तो लौंडा सारा चमड़ी खोर दूसरी बंदी के साथ लगा हुआ है। मतलब एक का ब्रेकअप मेरे सामने कर रहा, दूसरा मैं हूँ, तीसरी एक और बंदी है। और यहाँ पे मायरा शर्मा अपने कुछ पुराने बैक फ्लैश में चली जाती है, जो भाई हर गाने के अंदर होती है कि बैक फ्लैश में जाना जरूरी है, अगर बैक फ्लैश में ले गई तो भाई फिर गाना ही किस काम का। और बैक फ्लैश में जाते हैं यहाँ पे पता चलता है कि मायरा शर्मा को प्रपोज किया था यहाँ पे पारा छाबड़ा ने, और दोनों भाई हो चुके ऑफिशियली साथ, बंदे की फियांसे बन चुकी है यहाँ पे मायरा शर्मा। और उसके बाद क्या होता है गाइस, ट्विस्ट भाई, भाई उसके बाद देखा जाता है कि भाई पारस और मायरा शर्मा ओए रूम्स के कपल फ्रेंडली रूम के अंदर सो रहे हैं, क्योंकि भाई देखो शादी तो ही नहीं थी ना, तो घर में तो सो नहीं सकते, तो वो ओयो कपल फ्रेंडली रूम ही होगा जहाँ पे वो सो रहे हैं। तो वहां पे भाई सो रहे होता है, इतने में पारस छाबड़ा को फिर से कोई अर्जेंट काम पड़ जाता है और पारस छाबड़ा फिर से एक बार रवाना हो जाता है। और भाई जब रवाना होता है मायरा शर्मा एकदम जा गई होती है शक्की गर्लफ्रेंड की तरह, और शक्की गर्लफ्रेंड क्या करती है उसके बाद पीछा CID की आ जाती है आत्मा। और यहाँ पे मायरा शर्मा भाई करती है पारस छाबड़ा का पीछा, और पता चलता है ये तो सारा फिर चमड़ी खोर चौथी लड़की के साथ गुलू गुलू लगा हुआ है। यहाँ पे चमड़ी खोर पारस इतना तगड़ा गुलू गुलू लगा होता है कि इस बंदे को कोई होश नहीं होती। मतलब मैं तो ये पारस से पूछूंगा, भाई जब तूने ओयो रूम के अंदर एक रूम बुक करवाया था तो दूसरा भी करवा लेता भाई, रात को दूसरे रूम में चले जाता है, ओपन में रहेगा तो भाई पकड़ा ही जाएगा ना। तो भाई पकड़ा गया, वहां पे शक्की गर्लफ्रेंड मायरा शर्मा वहां पे पहुंच गई और रंगे हाथों पकड़ लिया, धर लिया यहाँ पे पारस छावड़ा को। पारस छावड़ा फिर एकदम से छोड़ के जैसे ही आगे पड़ा, और मायरा शर्मा ने बोला नहीं भाई, पट से हेडशॉट दे दिया यहाँ पे, पट से हेडशॉट। और फिर कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती, यहाँ से ट्विस्ट स्टार्ट होता है गाइस, यहाँ से ट्विस्ट स्टार्ट होता है। देखो एक सीक्रेट बताता हूँ भाई यहाँ सबको, खासकर लड़कियों को, जो शक्की गर्लफ्रेंड होती है ना उससे पीछा छोड़वाना बहुत ही आसान होता है। पारस छावड़ा ने वही गेम खेली इस गाने के अंदर, शक्की गर्लफ्रेंड थी उसको पता था भाई शक्की गर्लफ्रेंड है ये, तो कुछ बनाओ कुछ बीज ऐसे डालो कि बंदी शक करे और छोड़ दे। और यहाँ पे पारस छावड़ा का जो मोटिव था छुड़वाने का वो ये था कि जब मायरा वहां से जाती है तो जो चौथी बंदी है जिसके वो गुलू गुलू कर रहा होता है वो वापस से मायरा शर्मा के पीछे जाने लगती है उसको कुछ बताने के लिए, मगर यहाँ पे पारस छावड़ा उसको हाथ पकड़ लेता और धर लेता उसको, और बोलता नहीं बहन इतनी मुश्किल से तो पीछा छूटा है, मत बोल। और फिर वहां पे वो बंदी उठाती है भाई एक पर्चा, एक सस्ता सा फोटो कॉपी पर्चा जिसके ऊपर लिखा होता है कैंसर। भाई पारस छावड़ा को कैंसर था, देखो
भाई चमड़ी कोर है बंदा, मगर इस गाने में नहीं है। इस गाने में सब कुछ उसने रचा हुआ है अपने अंदर ही, और वहां से वापिस से बैकफ्लैश मिल जाते हैं और पता चलता है भाई पारस छाबड़ा ने उसको मैसेज भेजे होते हैं अपने दूसरे नंबर से उस नंबर के ऊपर अपने वाले पे, और पारस छाबड़ा ही जानबूझ के उठ के आता है और जो है चौथी बंदी के साथ गुलू गुलू है। एक्चुअल में पहली ही बंदी होती है जिसका ब्रेकअप हुआ होता है, तो पूरा इन्होंने मामला थोड़ा सा ऐसे घुमा देते हैं और माहिरा शर्मा को वहां से रवाना कर देते हैं। और फिर भाई अमिताभ बच्चन की तरह पारा छावड़ा खून की उल्टियां करता है और गाना यहाँ पे खत्म हो जाता है गाइस। और गाने के अगर लिरिक्स की बात करूं, लिरिक्स बहुत ही पावरफुल है, आप जाके देखो लिरिक्स के अंदर जान है भाई, ये टोनी कड़ा गाना नहीं है, लिरिक्स के अंदर बहुत जान है। और अगर सिंगिंग की बात करूं गाइस, सिंगिंग इस गाने के अंदर भाई जैसी स्टार्ट होती तो आप एकदम से बोले अरे बंद कर बहन, बंद कर बंद कर, मगर जैसे जैसे आप थोड़ा सा सहन करते हो ना भाई, 30-40 सेकंड सहन कर लेना, स्टोरी ऐसे लाइनअप पे चली जाती है, ऐसे ट्रैक पे चली जाती है कि आपको वो आवाज भी बर्दाश्त हो जाती है और आवाज भी अच्छी लगने लग जाती है। और गाना सही में बहुत अच्छा है गाइस, जाकर जरूर देखना गाने के अंदर। और पारस छाबड़ा शो है भाई, ये गाना पूरा का पूरा पारस छाबड़ा शो है, अच्छी एक्टिंग करी है बंदे ने यहाँ पे, माहिरा ने भी अच्छी एक्टिंग करी है, और जो चौथी और जो पहली बंदी का रोल निभा रही थी यहाँ पे भाई बहुत ही क्यूट बंदी लगी है। नाम पता करो और कमेंट करो क्या है उस बंदी का नाम, देखते हैं फिर इंस्टाग्राम के ऊपर आज रात के लाइव में। सो गाइस अभी के लिए बस इतना ही, मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।